इससे सबसे बड़ी जो है कि इसमें आम जन हमेशा इसमें ट्रैफिक में कहीं ना कहीं अपने काम के बहाने, कभी स्कूल के बहाने, हर जगह उसको निकलना होता है, ट्रैफिक से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि देहरादून शहर में भी जिस तरह से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और इतने ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं जो मसूरी हर जगह पर जाते हैं, इसके कारण स्कूलों के कारण तो यातायात का दबाव बनता है और खासकर जो आमजन है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से लेकर बार बार अपनी समस्याओं को और मीडिया के माध्यम से भी आती रहती हैं। इसको देखते हुए चूंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में नहीं, छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज होते हैं, जहां पर जो सुझाव होते हैं, इसको लेते हुए हमने एक वेबसाइट जो हमारी फेसबुक पेज है ट्रैफिक का, उस पर भी सुझाव मांगे, साथ ही साथ एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर रहे हैं जिस पर आमजन, मीडिया के लोग, प्रबुद्ध लोग जो भी यातायात के संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं, लोकल सुझाव दे सकते हैं जहाँ पर वो आते जाते हैं, जिससे कि अन्य विभागों के साथ बैठकर हम एक उसमें मंथन कर पाए और छोटे छोटे जो उनके सुझाव हैं उस पर अमल करके ट्रैफिक की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा हम रिलीफ दे पाए। इसीलिए नंबर भी जारी किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस की फेसबुक पेज है उस पर भी लोग सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि हम आगे इसमें लोकल लोगों के जो सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उसका मंथन करके अन्य विभागों से सहयोग लेकर और शासन लेवल पर भी इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन बनाकर जहां पर हमें लगता है कि पुलिस मुख्यालय और शासन लेवल पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है सुधार के लिए, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे। तो अभी ये पब्लिक से आम सुझाव मांगने के लिए ये अभी हमने ये प्रस्ताव सब जगह सर्कुलेट कर रहे हैं।